hi cancer and welcome to floral Tarot reader how you guys are doing cancer thank you so much you still be made a channel subscribe it really means a lot my personal reading we offer cartoon the description box or comment section checker your whatsapp link and number mentioned hai.

2024, no contact situation. okay, let's cut the deck. mutual energies between both of you is king of cups, current energies of your person, nine of swords, intention of your person, seven of swords, future action of your person, the moon, your energy, six of cups, and future of this whole connection, very important chariot. bottom of the deck we declared the full in reverse. Huh? commitment phobic, Aapka hai person. ओके जोड़ा साइन बता देती हूँ जमुना लिब्रा एक्वेरियस चैरियट पाइसीज बाकी आपका पर्सन जिस भी जोड़ा साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो जोड़ा साइन मैटर मैटर उतना नहीं करता um, मेरे हिसाब से uh, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं कैंसर नंबर वन मतलब बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा एनर्जी में ऑल्सो हम्म इस पर्सन के इंटेंशन कहीं ना कहीं सही नहीं है लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर रीडिंग कैंसर। आंसर ओके द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इट्स किंग ऑफ कप्स मेरे हिसाब से ना देखो एक चीज तो क्लियर है कैंसर आपके जो इमोशंस हैं आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत जेनुअन है आप बहुत आप बहुत मेरे हिसाब से आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो बहुत लव करते हो बहुत केयर करते हो ये पर्सन इनिशियली जितना मुझे दिख रहा है पता नहीं मुझे एक एक पता चीज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे बार बार एक ये चीज आ रही है विद दिस एनर्जी इन द म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं कैंसर के साथ बहुत गलत कर चुका हूँ पास्ट में कैंसर जो पेन मैंने दिया है कैंसर को वो कैंसर वो पेन डिजर्व नहीं करता इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है कैंसर दिख रहा है मुझे इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कैंसर एक इस प्रकार का व्यक्ति है जो दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करता है जो एक ऐसी खुशी डिजर्व करता है कि जिसमें सामने वाला जो उसका पर्सन हो वो उसे प्यार करे केयर करे कमिटमेंट के एक जो थी ना रियलाइजेशन इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कैंसर आई एम टेलिंग यू कि मैंने कैंसर के साथ गलत किया है अभी मैं गलत कर रहा हूँ देखो अगर आप लोग का ब्रेकअप हुआ है ब्रेकअप हुआ ये पर्सन वापस नहीं आ रहा है ये पर्सन इसलिए वापस नहीं आ रहा है बिकॉज ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं ये आपको झूठे वादे झूठे प्रॉमिस नहीं देना चाहते नंबर वन नंबर टू कहीं ना कहीं देर फीलिंग कि मैं बहुत इनजस्टिस कर रहा हूँ कैंसर के साथ किंग ऑफ कप्स ना सॉरी ये एनर्जी कहीं ना कहीं इस पर्सन की मुझे बता रहा है कि हाँ कैंसर एक अच्छा व्यक्ति है कैंसर इमोशनल है केयरिंग है बट मैं कैंसर के लायक नहीं हूँ यू नो वट यू आर टू गुड Answer, आप बहुत अच्छे पर्सन हो ये आपके लायक नहीं है ये आप इतने अच्छे आप इतने हाई लेवल पे हो आपका मेरे हिसाब से आप काफी स्पिरिचुअल भी हो कैंसर आपका कॉन्शियसनेस आप बहुत हाई लेवल पे हो ये एकदम निचले निचले स्तर के ये पर्सन है इनकी सोच इनकी बुद्धि इनकी एक्शन बहुत वाहियात है और कहीं ना कहीं इन्हें वो इन्हें वो रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने कैंसर के साथ गलत किया है ठीक है अगर मैं कैंसर को वो खुशी वो कमिटमेंट वो प्यार नहीं दे सकता हूं तो इट्स बेटर दैट मैं कैंसर को छोड़ू म्यूचुअल एनर्जी और म्यूचुअल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप बहुत प्यार करते हो केयर करते हो बट आपकी कहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको भी कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ये बता रहा है कैंसर की ये पर्सन ठीक नहीं है इट्स बेटर दैट आई शुड मूव ऑन इन लाइफ दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी टॉकिंग द विद एनर्जीज ऑफ योर पर्सन नाइन ऑफ सोच की एनर्जी ये रिग्रेट में है ये किसी प्रकार के रिग्रेट में है ये पर्सन ये रिग्रेट है दे आर रिग्रेटिंग कुछ तो इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है कुछ तो इन्होंने कुछ किया है इन्होंने शायद आपके ऊपर चीट किया है थर्ड पार्टी सिचुएशन के कुछ किया है मेरे हिसाब से ना इस पर्सन को पता है कि कैंसर शायद मुझे माफ नहीं करेगा कैंसर एक ऐसा व्यक्ति है कि कैंसर मुझे अपनाएगा नहीं अपने ऊपर ना ये घृणा कर रहे हैं अपने ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से चीजें हुई और एक्चुअली इस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हुआ है आपने अपना बेस्ट इस पर्सन की नाकामयाबी की वजह से इस पर्सन ने आपका वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया सो देर इन दिस वेरी गिल्ट एनर्जी कैंसर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है ये पर्सन और कही कहीं ना कहीं बताऊ ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत परेशान है और मेरे हिसाब से तो इस पर्सन को जितना अकेले छोड़ दो तो उतना बेटर है प्लीज आप कॉन्टेक्ट मत करना इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं नो दट द करेंट एनर्जीज टू वर्ज यू गिल्त में है रिग्रेट है बहुत रिग्रेट है इसे इसे इस पर्सन इस को पता है कि मैंने कैंसर के साथ बहुत 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 गलत किया है ना हो अब अब देख लो रिग्रेट है गिल्ट है सब है बट सुधरना है सुधरना नहीं है गिल्ट होने से रिग्रेट होने से क्या आप अपने एक्शन में चेंज ला रहे हो एक्शन में कोई चेंज नहीं ला रहे हो इंटेंशन में कोई चेंज नहीं ला रहे हो. अरे धोखेबाज है ये पर्सन कैंसर जो भी है ये अगर आप अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो इनका इंटेंशन ये पर्सन आपको जिंदगी में कमिटमेंट नहीं देगा नंबर वन नंबर ये ये ही धोखे किस्म के पर्सन आपके साथ रिग्रेट जी में जैसे इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आएगा उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे फिर उसे भी धोखा देंगे इस पर्सन ने मेरे हिसाब से हजार लड़के हजार लड़के लड़कियों को इन्होंने इन्होंने इनकी फीलिंग्स के साथ खेले इनका जो इंटेंशन है फॉर यू कहीं ना कहीं ये ये ना ये बहुत स्नीकी है ये बहुत चलाक है ये किसी के सगे नहीं हो सकते हैं कैंसर और इनका इंटेंशन आई एम टेलिंग कैंसर इस पे पर बिल्कुल भरोसा मत करना डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन ये पर्सन बहुत चीजें हाइड करता है मेरे हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ में भी ये शायद ये शायद करप्ट होंगे पैसे वैसे घूस घूस खाते होंगे आई एम गेटिंग दिस एनर्जी इनका इंटेंशन टूवर्ड यू इज नॉट राइट कैंसर इस पर्सन को दोबारा चांस मत देना अगर ये आपका एक्स है ये पर्सन ने ये पर्सन दूसरे लड़के लड़कियों से भी फ्लर्ट करता है उनके इमोशन से भी खेलता है ये सब एनर्जी आ रही है कैंसर ये भले ही रिग्रेट के एनर्जी में इन्हें पता है बट ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है कैंसर एक्शन द मून की एनर्जी है देर इज नो फ्यूचर एक्शन देखो फ्यूचर एक्शन में मुझे क्या दिख रहा है मैं बता रही हूँ फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि ये, देखो ये अभी तो कांटेक्ट नहीं कर रहे बट इन द कमिंग मंथ्स दिस पर्सन विल कांटेक्ट यू ये पर्सन दोबारा से आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा और फिर से ये धोखा देगा अगर इस पर्सन ने आपको पास में मल्टीपल धोखे दिए हैं मैं हाथ जोड़ती दी हूँ कैंसर अपने बारे में सोचो मूव ऑन करो क्योंकि इनका जो फ्यूचर एक्शन है वो ही फिर से खराब दिख रहा है ये फिर से आपसे इमोशनली क्लोज आएंगे और फिर से हट जाएंगे फ्यूचर कोई किसी किस्म का फ्यूचर एक्शन नहीं कमिटमेंट नहीं देंगे शादी नहीं करेंगे आपकी ये फिर से इमोशनल आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन एविडेंटली डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन मेरे हिसाब से ये पर्सन ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव बहुत ही वाहियात किस्म का पर्सन है एनर्जी इनकी बड़ी बड़ी नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन की जो भी है इस पर्सन से जितना दूर हो जाओ उतना बेटर है कैंसर Really like कहीं कही आप बहुत 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 मिस कर रहे हो इस पर्सन को बट मेरे हिसाब से आप बहुत तो, आप सिर्फ पास्ट में हो क्या आप रहे प्रेजेंट में रहे हो बट आपका जो सोच आपकी मेमोरीज आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते हो आप पास्ट के बारे में सोचते हो मेरे से आपका कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं मेरे हिसाब से आप अपने करियर पे पढ़ाई पे भी है पर इस ने फिर अपनी असलियत दिखाई है और मुझे वही दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग यहाँ डेट पे गए थे यहाँ घूमने गए थे ऐसा उसने बोला था मैंने ऐसा किया था आप पास्ट में स्टक हो कैंसर आप पास के बारे में ही सोचते रहते हो डोंट डू दिस कैंसर आप प्रेजेंट में क्यों नहीं जी रहे हो प्रेजेंट में जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो दैट इज योर एनर्जी कैंसर प्लीज प्लीज मूव ऑन लिव इन द प्रेजेंट ऑल्सो कहीं ना कहीं कैंसर आई कैन क्लियरली सी दैट आपकी लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहा है आप इस पर्सन पे स्टक रहोगे तो जो न्यू पर्सन है वो डिले होता जाएगा आपकी लाइफ में ये भी बहुत चीजें बहुत फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कैंसर

ऐसा प्यार आएगा जो आपको आपके साथ, आपके साथ साथ पब्लिक में हाथ पकड़ेगा पब्लिक में सबको बोलेगा कि हाँ कैंसर मेरा गर्लफ्रेंड है कैंसर इज माई पार्टनर और कैंसर इज माई गर्लफ्रेंड एग्जैक्टली फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपके करियर में मुझे बहुत ग्रोथ होते हुए दिख रही है आप लोग का बहुत लोग का प्रमोशन मुझे होते हुए दिख रहा है ओवरऑल वींग इज दैट दिस पर्सन हैजॉट यू अट ऑफ लेसन ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखा के गया है लोग आपकी लाइफ में या तो कुछ सिखा के जाते हैं या तो कुछ बहुत अच्छी दे देके जाते हैं ये बहुत बड़ा लेसन था आपकी लाइफ में और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे आप लोगों के ऊपर ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे लोगों को जानोगे पहचानोगे तब उ, उन लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो बट आपकी लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहे कैंसर इस ओल्ड पर्सन को छोड़ दो ये पर्सन नहीं कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कॉन्टेक्ट करेंगे फिर से नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग कैंसर बाकी सीरियसली कोई भी इशू हुआ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरटारो रीडम ब